गाइज वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजॉन किचन ऑर्गेनाइजर्स हॉल। इतने बढ़िया ऑर्गेनाइजर्स मैंने परचेस किया है ना, और सारे ग्लास के हैं। ये जो हॉल होने वाला है वो सारे ग्लास ऑर्गेनाइजर्स हॉल होने वाला है, और बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आने वाले है सारे ग्लास ऑर्गेनाइजर्स। और हाँ, अमेजॉन हॉल का पार्ट 1 आ गया है चैनल पे, आप देख लीजिए। उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे और यूजफुल ऑर्गेनाइजर्स आपके साथ शेयर किए हैं, आपको वो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो पहले देख लीजिए, उसके बाद वो जा रहा है देखने के लिए। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने ऑर्डर की और ये एक साथ ऑर्डर नहीं की है, धीरे धीरे करके ऑर्डर करती जा रही थी। 3 महीने से ये सारी चीजें मैंने कलेक्ट की है, तब जाके ये हॉल वीडियो आपके लिए आ रहा है। और इसका अगर परचेस लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग लिंक मांगते हो आप, और फिर एक एक लोगों को लिंक सेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी चीजों के लिंक दे दिए हैं आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर नहीं पता है आपको तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको सारी चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ सारी चीजें और क्या क्या चीजें मैंने ली है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये बहुत ही क्यूट सा जग जो मैंने पानी रखने के लिए लिया है, और इसमें आप पानी रख सकते हो। तो इसमें आपको ये क्रिस्टल का लीड मिल जाता है इस तरह से, और इसे आप इस तरह से लगा सकते हो, टाइट कर सकते हो, और इसमें आप पानी रख सकते हो, पानी रख सकते हो, जूस रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। अफोर्डेबल है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप इसे अफोर्ड भी कर सकते हो, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ले सकते हो डेफिनेटली। उसके बाद मैंने ये वाले जार लिए है जिसमें मैं जैसे कि ये देखो, ये हनी के लिए है। उसके बाद इसमें ही एक स्पून वाला है, एक ब्रश वाला है, जैसे कि ये ब्रश वाला है, और ये ग्लास जार है। इसको आप देखो, इसे अगर आप ओपन करते हो, देखिए इसे अगर आप ओपन करते हो तो अगर आपको पूरा लीड ओपन करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आपको सिर्फ यहां से घुमाना है और ये निकल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज लगी मुझे, मतलब पूरा लीड को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, कांच को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, बस इधर से हाथ लगाओ निकल जाएगा और आप इजीली इससे हनी ले सकते हो। तो ये हनी ऑयल और घी के लिए है, ये 3 का सेट है। और एक मुझे इसके लिए नमक के लिए चाहिए था, और एक पिकल के लिए चाहिए था, पिकल के लिए या कुछ भी चीज रख सकती हूँ, तो मैंने ये फिर 2 ऑर्डर कर दिए। वैसे तो मुझे नमक के लिए ही चाहिए था, बट एक ऑर्डर करने से वो थोड़ा सा महंगा लग रहा था मुझे, तो इसी वजह से मैंने 2 का सेट ऑर्डर कर दिया। तो ये स्पून वाले 2 के सेट ऑर्डर किए हैं, वो सेम ही है, जैसे कि ये 3 का सेट है और ये 2 का सेट है। उसके बाद अफोर्डेबल है तो आप अफोर्ड कर सकते हो इसे भी। उसके बाद मैंने ये ग्लास बॉटल्स ली है जो ऑयल बॉटल्स है, बहुत ज्यादा आपके किचन में काम आने वाली है। जैसे कि आप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दो, इसमें आप ऑलिव ऑयल डाल दो, या इसमें आप मस्टर्ड ऑयल डाल दो, इसमें आप ऑलिव ऑयल डाल दो, या कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो मर्जी, आप जो भी ऑयल अपने किचन में यूज करते हो कुकिंग के लिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि इस तरह से ये ओपन होता है, तो इस तरह से ये पैक भी हो जाता है, तो ये फायदा मुझे इसका लगा। और ग्लास जार अगर आप ऐड कर देते हो ना किचन में, इतने ज्यादा बढ़िया लगेंगे। और उसके बाद अफोर्डेबल बहुत ज्यादा है, शायद 278 या 280 का ये सेट मुझे मिला था, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। उसके बाद ये 3 का सेट मैंने लिया है, ये है मिल्क बॉटल, ये 3 का सेट आता है मिल्क बॉटल का। और अगर आप मिल्क बॉटल यूज करते हो ना मिल्क के लिए, पतीले वगैरह रखने की जरूरत नहीं है आपके फ्रिज में, और वो ज्यादा जगह लेते हैं, ये ज्यादा जगह नहीं लेते हैं, ये आप डोर में रख सकते हो, और इससे आपका फ्रिज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा। तो इसी वजह से ये मैंने लिया है 3 का सेट। उसके बाद मैंने लिया है ये ट्रियो का मिल्क बॉयलर, मतलब इसमें आप मिल्क बॉयल कर सकते हो, इसमें आप टी बना सकते हो, इसमें आप कॉफी बना सकते हो, इसमें आप ग्रीन टी बना सकते हो, इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, या आप सीधे गैस पर रख सकते हो, सीधे गैस पर रख के इसमें आप पानी कुछ भी बॉयल कर सकते हो, तो ये टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा इसे, तो इस तरह से है। और इस तरह से इसका प्लास्टिक का लीड है जो आप इसे बंद करके रख सकते हो, और प्लास्टिक का ही हैंडल दिया हुआ है, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये। और ट्रियो ब्रांड से है, तो ट्रियो ब्रांड के जो ग्लास होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे ट्रियो ब्रांड ग्लास कंटेनर्स लिए हैं इसी वजह से। और उसके बाद मैंने ये बोरोसिल का बड़ा वाला बोल लिया है, एक्चुअली ये मैंने अमेजोन से नहीं लिया है, ये डीमार्ट से लिया है, बट आपको सेम अमेजोन पे भी मिल जाएगा, जिनके यहाँ पे डीमार्ट नहीं है तो वो अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। इसी वजह से मैं इस हॉल में ऐड कर दिया इसे, क्योंकि मैं इसमें सारे ग्लास की चीजें दिखा रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने इसे भी ऐड कर दिया। तो ये है, इसमें आप आटा वगैरह गूंथ सकते हो, इसमें आप ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हो कुछ भी चीजें,
तो काफी ज्यादा काम आने वाली चीज है ये, आपके किचन में होना ही चाहिए अगर आप ग्लास लवर हो तो। और उसके बाद मैंने ये वाले इसका ही मिनी वर्जन, ये ट्रियो का मंगाया था, ये छोटा वाला मिक्सिंग बोल जो दो मंगाया है ऐसे, ये यहाँ पर है, ये दो मंगाए हैं ट्रियो के ही है, ये है इसमें और एक ये है, तो इस तरह से ये मैंने दो मंगाए हैं ट्रियो ब्रांड के ही। इसमें भी आप कम क्वांटिटी में जैसे सलाद वलाद है वो मिक्स कर सकते हो, अगर आपका लेफ्टओवर है या आपको माइक्रोवेव में कुछ गर्म करना है तो भी आप इसे गर्म कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है ये, तो ये है फ्रूट बास्केट, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे ये, आप देख सकते हो इसकी जो डिजाइन है वो कितनी ज्यादा प्यारी है, इसमें आपके काफी सारे फ्रूट्स आ जाएंगे और डाइनिंग टेबल पे सजाई हुई बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद मैंने लिया है ये बोरोसिल ब्रांड का ही, माइक्रोवेव सेफ है इसी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आप माइक्रोवेव में कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि चावल हो गया, बिरयानी हो गई, कुछ भी आप इसमें बना सकते हो माइक्रोवेव में, तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये वाले सर्विंग बोल जब आप इसमें कुछ रखोगे और अपने डाइनिंग टेबल पे रखोगे ना, बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसमें आप दाल, इसमें सूखी सब्जी, करी वाली सब्जी या राइस वगैरह कुछ भी रख सकते हो आप इसमें, डाइनिंग टेबल पे सजा हुए बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। उसके बाद मैंने ये वाले छोटी छोटी स्पाइस जार ली है, मतलब इसमें आप स्पाइसेस रखोगे ना, फ्रिज में रख सकते हो, बाहर रख सकते हो, एवरेस्ट के हो या सुहाना के हो, छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, उसे आप इसमें डाल के रख सकते हो और उसकी स्मेल भी नहीं जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा, इसमें लेबलिंग कर दो और बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसे आप फ्रिज में रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। तो ये मैंने 6 का सेट लिया है, फ्रिज कंटेनर्स लिए हैं ग्लास के, और ये लॉक एंड लॉक सिस्टम में है, देखो ये इस तरह से ओपन होते हैं, और उसके बाद काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के लगे मुझे, और उसके बाद लीड भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, एयरटाइट कंटेनर्स है, आप इसमें फ्रिज में रख सकते हो, लेफ्टओवर रख सकते हो, कुछ सब्जियां वगैरह काट के रख सकते हो। ये स्मॉल 2 का सेट है और ये 4 का सेट है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है गाइस, आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। और उसके बाद मैंने लिए है ये 2 क्यूट से कंटेनर, जिसमें आप अपने ज्वेलरी रख सकते हो, उसके बाद आप अपने किचन में अगर इसे रखना चाहो तो इसमें पिकल्स वगैरह रख सकते हो, काफी चीजें इसमें रख सकते हो और काफी ज्यादा स्पेशियस है। देखो ओपन करके आपको दिखाती हूँ, इस पे लीड भी है तो इतने स्टाइलिश दिखते हैं, अगर आप अपने किचन में भी रखते हो ना या आप अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल पे भी रखते हो तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा आने के बाद, जैसे कि मुझे पसंद आए थे। बाद मैंने लिया है गाइज ये वाला, ये जग है जिसमें आप पानी डाल के आटा वगैरह गूंथ सकते हो या जिसमें आप मेजर करना चाहो, जैसे कि आप कुछ मेजर करना चाहो, यहाँ पर मेजरिंग स्केल दी हुई है तो आप इससे मेजर भी कर सकते हो, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में आप इसमें ले सकते हो, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आपको मेजर करके ही लेना पड़ता है तो आप इसमें मेजर कर सकते हो, तो ये मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा और बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखता है। तो मुझे ग्लास की चीजें ऐड करनी थी अपने किचन में, इसी वजह से मैंने ये ग्लास का ले लिया। बाद मैंने लिया है ये वाला सेट जो छोटी छोटी भरनियों का है, इसमें भी आप स्पाइसेस रख सकते हो, जैसे कि आप इसमें खड़े मसाले भी रख सकते हो छोटी छोटी कम क्वांटिटी में, जैसे आप इसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे कंटेनर्स लिए है और इसको प्लास्टिक का लीड है तो एयरटाइट लीड भी है, काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा क्यूट लगेंगे आपके किचन में। तो ये है 6 का सेट, तो मैंने इस तरह से सेट लिया है, ये 6 का एक बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। उसके बाद मैंने ये 12 का सेट लिया है, 1000 ml के ट्रियो के कंटेनर और ये ग्लास के कंटेनर है, के अलावा इसमें जो लीड है ना वो भी ऊपर से ट्रांसपेरेंट है, इसकी वजह से आपको इजीली दिख जाता है कि इसमें क्या रखा है, ऊपर से भी दिख जाएगा, अगर आप इसे ट्रॉली में रखते हो तो ऊपर से ही आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या रखा है, और अगर आप इस तरह से कैबिनेट में सजा के रखते हो तो भी आपको दिख जाएगा क्योंकि ऊपर से ट्रांसपेरेंट है इसी वजह से, और ये भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के है। मैंने लिए थे ये 18 कंटेनर्स, ये 6 का सेट था तो मैंने 3 सेट ऑर्डर कर दिए थे और इसमें मैंने मसाले भर के रखे हैं, तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा क्यूट कंटेनर्स है, सेम पहले जो 1000 ml के आपको दिखाया है उसी टाइप के, काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में इसमें काफी सारी चीजें आ जाती है। इस जार में मैंने खड़े मसाले ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, उसके बाद बेसिक मसाले रखे हैं, मतलब आगे रखे हैं तो जल्दी से दिख जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने ये लिए थे। और ये 6 का सेट है, 3 सेट मैंने मंगाया है इसके 18 कंटेनर्स, ये भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसके भी लीड उसी तरह से है, सेम टू सेम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये प्रोडक्ट है और इतना ज्यादा पसंद आया है ना मुझे, काफी दिनों से मन था मेरा ये प्रोडक्ट लेने का और फाइनली मैंने ले लिया। इस तरह से इस पे लीड है, ये ग्लास का ओ माय गॉड, ये ग्लास का मटका है और इसे ना यहाँ पर नल भी है,
अब देखो कितना सुंदर नल है। तो मैंने ये मटका लिया है, सारी चीजें मैं ग्लास के ऐड कर ही रही थी, तो मुझे लगा कि ये मटका भी मैं ऐड कर दूं ग्लास का, और बहुत ज्यादा क्लासी लुक देगा मेरे किचन में ये। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है, नल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लीड भी है इसके ऊपर, शेप देखो कितना प्यारा है इसका। तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, और आपकी फेवरेट चीज इसमें से कौन सी है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज परचेस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये हॉल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ताकि वो भी ऑर्गेनाइजर परचेस करना चाहते हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक कर देना, उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिलेगी, उससे आप सबसे पहले देख पाओगे। बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजिंग वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हॉल वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट हॉल वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट हॉल वीडियो देख लीजिए, और इसके बाद भी एक हॉल वीडियो आने वाला है तो उसे भी देख लेना। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।